नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा जायसवानी अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक दुर्गा माँ की भक्ति में सभी धूम मचा रहे हैं। नवरात्रि मुख्य रूप से शक्ति की आराधना के दिन होते हैं। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा धरती पर विचरण करती है और हर कदम पर अपने भक्तों की विपत्ति से रक्षा करती है। माना जाता है कि इन दिनों में नियम और निष्ठा के साथ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामना पूरी होती है। वहीं नवरात्रि का 8वां दिन बहुत ही खास माना जाता है। नवरात्रि के अष्टमी को महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। इस दिन माता के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा और आराधना की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन की देवी माँ गौरी है। माँ गौरी का वाहन बैल और उनका शस्त्र त्रिशूल है। परम कृपालु माँ गौरी भगवती माँ गौरी के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुई। कहते हैं कि माँ गौरी की आराधना से सभी मनवांछित कामना पूर्ण होती है तथा भक्तों को अभय रूप व सौंदर्य प्रदान होता है, अर्थात शरीर से उत्पन्न नाना प्रकार के विष का अंत कर जीवन को सुख समृद्ध व आरोग्य से पूर्ण करती है। कथाओं के अनुसार इस तिथि को माँ ने चंड मुंड राक्षसों का संहार किया था। कहा जाता है कि माँ गौरी की पूजा से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। माँ गौरी की पूजा के बाद 9 कन्याएं और एक बालक को घर बुलाया जाता है और इन सभी की पूजा की जाती है। फिर इन्हें हलवा पूरी और चने का भोग दिया जाता है। कुछ लोग बच्चों को उपहार देकर विदा करते हैं। इस साल अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर बुधवार को पड़ रही है, जबकि इसका आरंभ 12 अक्टूबर को रात 9:47 पर ही हो रहा है तथा समाप्त 13 अक्टूबर रात 8:60 तक होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी ही लौटेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे। माँ दुर्गा आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए।